डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता। ये सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चरर है। ठोसों में अपूर्णता कहते किसे हैं, ये किस प्रकार से देखने को मिलती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आयनिक ठोसों में या आयनिक क्रिस्टलों में अवयवी कण आयंस होते हैं और ये आयंस एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रिस्टल जालक की जो एकक कोष्ठिकाएं हैं उन एकक कोष्ठिकाओं के माध्यम से एक नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। ये नियमित व्यवस्था केवल परम शून्य तापमान या जीरो केल्विन तापमान पर देखने को मिलती है। इस परम शून्य तापमान पर ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस एक आदर्श क्रिस्टलीय ठोस की भांति व्यवहार करते हैं। अतः परम शून्य तापमान पर सभी क्रिस्टलीय ठोसों की मैं बात करूं तो सभी क्रिस्टलीय ठोस आदर्श क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते हैं। कुछ एक क्रिस्टलीय ठोस परम शून्य तापमान पर आदर्श क्रिस्टलीय ठोस की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी क्रिस्टल के लिए परम शून्य तापमान को या मैं बोलूं जीरो केल्विन तापमान को प्राप्त करना असंभव है। अतः ठोसों में कोई भी क्रिस्टलीय ठोस रूम टेम्परेचर पर आरटीपी पर एक आदर्श क्रिस्टलीय ठोस की भांति व्यवहार नहीं करता है। क्रिस्टली उन ठोसों के अंदर कुछ न कुछ इम्प्योरिटी कह लूं या अपूर्णता देखने को मिलती है और ये अपूर्णता दो प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी अपूर्णता है? पहली है परमाण्विक अपूर्णता, या इसको बोलते हैं बिंदु त्रुटि, इसी को बोलते हैं अपन बिंदु त्रुटि को ही बोलते हैं अपन पंक्ति त्रुटि। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धियां या इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि परमाणविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि या पंक्ति त्रुटि किसे कहते हैं? यदि किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण परमाणु अपना स्थान छोड़कर के क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए या क्रिस्टल जालक के अंदर ही अपने स्थान को चेंज कर ले तो ऐसी त्रुटि परमाण्विक त्रुटि कहलाएगी। पंक्ति त्रुटि क्या है? यदि किसी क्रिस्टल जालक में से अवयवीय कणों की जो पंक्ति है वो उसके अंदर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उत्पन्न त्रुटि पंक्ति त्रुटि कहलाती है। मैं कह सकता हूं कि पंक्ति त्रुटि और परमाण्विक त्रुटि एक ही है। पंक्ति त्रुटि में भी परमाण्विक कणों की अनियमितता होती है और परमाण्विक त्रुटि में भी परमाण्विक कणों की अनियमितता देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये क्रिस्टल है, मैं अवयवी कण परमाणु है, ये अवयवी कण रहे, इन अवयवी कणों में से कोई एक अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए या क्रिस्टल जालक जैसे कि A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस, यदि क्रिस्टल जालक में से कोई परमाणु बाहर निकलता है तो उत्पन्न परमाण्विक त्रुटि होगी। अगर एक पंक्ति, ये वाली पंक्ति है, कोई भी पंक्ति
ये क्रस्टल जालक से में अनियमित हो जाती है तो उत्पन्न त्रुटि पंक्ति त्रुटि के नाम से जानी जाती है। इस परमाणु त्रुटि को ही बिंदु त्रुटि बोलते हैं। बिंदु त्रुटि क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमाणु भी एक कण बाहर निकल रहा है तो उसकी जगह पर एक बिंदु शेष रह जाता है, उस को ही अपन बिंदु त्रुटि के नाम से जानते हैं। इधर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या है कि सिलिकन और जर्मेनियम, जैसे मैं बात करूं सिलिकन और जर्मेनियम है, इनके संयोजी कोष में चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिलिकन रहा, इसके संयोजी कोष में अगला सिलिकन ये रहा। ये सिलिकन के अंदर कैटेनेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, संकलन का गुण देखने को मिलता है। संयोजी कोष में इसके में चार इलेक्ट्रॉन हैं। ये चार इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे मैंने। यदि सिलिकन के क्रिस्टल है, इस सिलिकन के क्रिस्टल में तापमान को अगर बढ़ाया जाता है तो ये निम्न तापमान पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब तापमान बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इनके संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक कोष से जब दूसरे कोष में उत्तेजित होकर के जाता है तो उत्पन्न त्रुटि को अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ करके जाता है तो उसकी जगह पर स्थान रिक्त रह जाता है, इस रिक्त स्थान को अपन होल कहते हैं। होल को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकन और जर्मेनियम की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ डॉपिंग की जाती है, अशुद्धि प्रवेशित की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धियां प्रवेशित की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिकल रिच या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड की जाती है, जिससे कि सिलिकन और जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। सिलिकन और जर्मेनियम एक प्रकार के नेजर्ड चालक होते हैं, इनकी चालकता बहुत कम होती है नेजर्ड चालकों की। इन चालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें पंचम तत्व जैसे कि पांचवें वर्ग की फिफ्थ ए वर्ग की अशुद्धियां नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इधर की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पांचवें वर्ग की जब अशुद्धि मिलाते हैं तो इनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस के में, और आर्सेनिक के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जैसे कि मैं बात करूं जैसे कि नाइट्रोजन की इंप्योरिटी मिलाई या फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाई तो फास्फोरस इससे बॉन्ड बनाएगा, इधर 4 बॉन्ड सिलिकन से बना लेगा, इधर ये सिलिकन से 4 बॉन्ड बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस का ये रहा, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन सिलिकन का है। तो इस प्रकार से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन सिलिकन का होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी सिलिकन का है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर सिलिकन आ रही है और सिलिकन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिया सिलिकन का। तो जो फॉस्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने बंद बनाने में प्रयुक्त कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेष रह जाता है जो कि इस क्रिस्टल में चालकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सिलिकन और जर्मेनियम में जब पंचम वर्ग और थर्ड ए वर्ग की अशुद्धि जैसे मिलाई जाती है तो उससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। थर्ड ए वर्ग बोले तो बोरोन है, एल्युमिनियम है और गैलियम है। अगर मैं इसकी अशुद्धि इंप्योरिटी मिलाता हूं बोरोन की तो बोरोन की अशुद्धि मिलाने पर यहां पर क्या आएगा, बी आएगा। जैसे बी की अशुद्धि मिलाता हूं तो बोरोन के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के संयोजी कोष में भी 3 इलेक्ट्रॉन है और गैलियम के संयोजी कोष में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 बंध सिलिकन से बना लेता है और एक
बंद में रिक्त स्थान शेष रह जाता है जिसको कि हॉल के नाम से जानते हैं। तो जब डॉपिंग की जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसमें चालकता के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन होने पर 3 बंध बना लेता है, और एक बंध में एक स्थान रिक्त रह जाता है, उस रिक्त स्थान को अपन हॉल के नाम से जानते हैं। यह हॉल ही इस क्रिस्टल में चालकता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब पंचम वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है, जो कि क्रिस्टल के अंदर चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैंने फास्फोरस की अशुद्धि एड की, तो 4 बंध तो ये बना लिए, और 5वां इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका, 4 बंध तो ये बना लिए, 5वां इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, यहां पर नहीं है, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंडक्टिविटी चालकता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब अशुद्धि 5A वर्ग की मिलाई जाती है तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब 3A वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार का, पी टाइप का अर्धचालक मिलता है। इस प्रकार से इन एन और पी टाइप के अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धियां देखने को मिलती है। ये एन और पी प्रकार के अर्धचालक हैं, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। इधर इन सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो कि नेज अर्धचालक हैं, इन नेज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए जो इन तत्वों की 5A वर्ग की और 3A वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां देखने को अपने को मिलती हैं। इन परमाणु त्रुटियों का मैं क्लासिफिकेशन करूं तो परमाणु त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। एक परमाणु त्रुटि होती है स्टाइकोमेट्रिक, और दूसरी परमाणु त्रुटि होती है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। परमाणु त्रुटि या बिंदु त्रुटि ये किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, ये किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो इनके बारे में बतलाता हूं मैं आपके लिए। ये कोई क्रिस्टल जालक लिया मैंने, आयनिक क्रिस्टल जालक लिया, ये A+B- से रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। इस आयनिक क्रिस्टल में से यदि कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके, जैसे कि A+ आयन है, धनायन है, ये अपना स्थान छोड़ करके, और इसी प्रकार से B- आयन है, ये अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो उत्पन्न त्रुटि रिक्ति दोष के नाम से जानी जाती है। रिक्ति दोष क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके कारण क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्रिस्टल जालक के अंदर रिक्त स्थान हो गया, ये भी क्रिस्टल जालक के अंदर रिक्त स्थान हो गया, तो इसको रिक्ति दोष के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिस्टल जालक में से कोई आयन से अपना स्थान छोड़ करके या कोई परमाणु अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उत्पन्न त्रुटि रिक्ति त्रुटि के नाम से जानी जाती है। इधर दूसरी आती है अंतराकाशी दोष। यदि कोई क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके, उस मूल स्थान को छोड़ करके, उसके अंतराकाशी स्थान में जो क्रिस्टल जालक के अंदर स्थान है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो उत्पन्न त्रुटि अंतराकाशी दोष के नाम से जानी जाती है। यह अंतराकाशी दोष क्रिस्टल में ऐसे उत्पन्न होंगे कि जब उसके अंदर कोई छोटे आकार का आयन या छोटे आकार का परमाणु उस क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश करता है, तब इस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है।
बड़े प्रकार का आयन या बड़े प्रकार का परमाणु उस क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेशित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बड़े प्रकार के आयंस या परमाणु का आकार बड़ा होता है, जो किसकी तुलना में, अंतराकाशीय स्थान की तुलना में, तो उस क्रिस्टल जालक को डिस्टॉर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। तो इस प्रकार से छोटे प्रकार का आयन या कोई अधातु परमाणु क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेशित होता है तो उत्पन्न त्रुटि अंतराकाशीय दोष के नाम से जानी जाती है। इधर अब इन त्रुटियों को अपन स्टाइकियोमेट्री के आधार पर देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्री के आधार पर या बोले इसको रस समीकरण मिति के आधार पर ये त्रुटि कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला रस समीकरण मिति दोष और दूसरा एरस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष को स्टाइकोमेट्रिक दोष बोलते हैं, एरस समीकरण मिति दोष को नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या दोष बोलते हैं। रस समीकरण मिति क्या है इसको समझते हैं। इस जैसे कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये आयनिक क्रिस्टल A प्लस और B माइनस से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर जो इसका मूल अनुपाती सूत्र है वो A B है। यदि डिफेक्ट के पश्चात, इंप्योरिटी के पश्चात भी इसका मूल अनुपाती सूत्र 1:1 बना रहे, अर्थात मूल अनुपाती सूत्र में जितने धनायन हैं उतने ही ऋणायन क्रिस्टल जालक के अंदर बने रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। अर्थात क्रिस्टल जालक के अंदर इंप्योरिटी के पश्चात कोई क्रिस्टल जालक के अंदर धनायन या ऋणायन के निकलने के पश्चात उसका मूल अनुपाती सूत्र है वो यथावत बना रहता है, तो इस प्रकार के दोष को अपन रस समीकरण मिति दोष के नाम से जानते हैं, अर्थात स्टाइकोमेट्रिक दोष के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंप्योरिटी के पश्चात ए धनायन ए है और ऋणायन बी माइनस है, तो इनका जो रेशो है वो 1:1 ही हो, जितने क्रिस्टल के अंदर धनायन है उतने ही क्रिस्टल के अंदर ऋणायन हो। कब? जबकि उसके अंदर इंप्योरिटी उत्पन्न हो गई है, दोष उत्पन्न हो गया है तब। इधर एरस समीकरण मिति दोष क्या है? एरस समीकरण मिति दोष उसको बोलते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर, आयन क्रिस्टल के अंदर, कि धनायन और ऋणायनों का जो मूल अनुपाती सूत्र है वो 1:1 नहीं रहता है, अर्थात वो धनायन और ऋणायन का अनुपात, जैसे कि मैं कह दूं कि धनायन 0.96 से और ऋणायन 1 हो, धनायन की संख्या तो 0.04 कम हो और ऋणायन की संख्या 0.04 अधिक हो, इस प्रकार से उत्पन्न दोष को बोलते हैं अपन एरस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष और एरस समीकरण मिति दोष, इन दोनों के अंदर धनायन और ऋणायनों की जो संख्या है वो चेंज होती है। इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या रस समीकरण मिति दोष के अंदर यथावत बनी रहती है, चेंज नहीं होती है, जबकि एरस समीकरण मिति दोष के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये जो रस समीकरण मिति दोष है, इस रस समीकरण मिति दोष ये दो प्रकार का होता है। एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट पहला होता है, इसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल दोष जिसको फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट की दोष क्या है और फ्रैंकल दोष क्या है? ये शॉर्ट की और फ्रैंकल, ये दोनों की दोनों एक प्रकार के, मैं कह दूं कि स्टाइकोमेट्रिक या रस समीकरण मिति दोष हैं। इन्हीं को दो भागों में बांटा है कि शॉर्ट की और फ्रैंकल को रस समीकरण मिति के आधार पर। इधर इसमें स्टाइकोमेट्रिक यथावत बनी रहती है, अर्थात धनायन ऋणायन का अनुपात यथावत बना रहता है। इसमें रस शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है? ये मैंने आयनिक क्रिस्टल लिया A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस,
ये कोई आयनिक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये A प्लस, ये B माइनस। ये A प्लस, इस आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात प्रारंभ में पूरा की पूरा 1:1 है। यदि इस आयनिक क्रिस्टल से कोई धनायन और कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके कोई एक धनायन और कोई एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके इस क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो उत्पन्न दोष कहलाएगा शॉर्ट की दोष, या कह दूं शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। जैसे कि इधर देखो, इस क्रिस्टल में से एक ऋणायन बी माइनस लिया मैंने, ये बाहर निकल गया। इसके साथ साथ ही कोई एक धनायन ये ए प्लस बाहर निकल गया, तो यहां पर उत्पन्न दोष है वो दोष कहलाएगा शॉर्ट की दोष। तो इधर देखना, इसको पहले यहां पर बी प्लस था, बी माइनस था, और यहां पर ए प्लस था। अगेन आपको इसको बनाना है, जब इंप्योरिटी के पश्चात, ये इंप्योरिटी से पूर्व का क्रिस्टल जालक है, इंप्योरिटी के पश्चात क्या होगा, इसके अंदर से एक साथ एक ऋणायन जा रहा है और एक क्या हो रहा है, धनायन जा रहा है। तो जितनी इस क्रिस्टल के अंदर धनायन उपस्थित हैं उतने ही ऋणायन उपस्थित होंगे आफ्टर डिफेक्ट दोष के पश्चात। तो क्रिस्टल जालक के अंदर उदासीनता बनी रहती है और इसके अंदर धनायन और ऋणायन का जो रेशो है 1:1 बना रहता है। जैसे कि मैं बात करूं, इसके अंदर ए प्लस की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4 और 5। बी माइनस की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5:5 है, तो 5:5 को मैं बोल सकता हूं 1:1। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कोई खोज शॉर्ट की नामक चरण वैज्ञानिक शॉर्ट की ने की थी, और शॉर्ट की डिफेक्ट एक प्रकार का यहां पर रिक्ति दोष है। यहां पर धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब हो रहे हैं, तो एक प्रकार का ये रिक्ति दोष है। शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का जो डेंसिटी है, घनत्व है, मैं घनत्व को रिप्रेजेंट करता हूं रो बराबर एम अपॉन बी से। ये एम तो द्रव्यमान है और बी आयतन है। तो डिफेक्ट के पश्चात, दोष के पश्चात, इस क्रिस्टल का जो आयतन है वो आयतन चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर जो रिक्त स्थान शेष बच रहा है तो वो आयतन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन धनायन ऋणायन के जाने से उस क्रिस्टल की जो द्रव्यमान है, इस क्रिस्टल का द्रव्यमान है वो कम हो रहा है। जब द्रव्यमान कम होता है और आयतन कांस्टेंट होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर द्रव्यमान है वो घनत्व के समानुपाती होता है। रो क्या है, घनत्व है। तो द्रव्यमान कम होने पर घनत्व कम होगा, जबकि मैं कह सकता हूं क्योंकि यहां पर आयतन कांस्टेंट है, तो इधर द्रव्यमान घटने पर घनत्व कम होता है। तो शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट की दोष एक प्रकार का रिक्ति दोष है, शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट की दोष कौन से क्रिस्टलों में देखने को मिलता है, तो शॉर्ट की दोष जिन क्रिस्टलों की समन्वय संख्या उच्च होती है उन क्रिस्टलों में देखने को मिलता है, जैसे कि आयनिक क्रिस्टलों के हैलाइड, जैसे कि NaCl है, KCl है इधर, और मैं कह दूं आयनिक क्रिस्टलों के हैलाइड्स और कार्बोनेट्स में देखने को मिलता है इधर। उसके पश्चात अगला दोष आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष एक प्रकार का ये अंतराकाशी दोष माना जाता है। फ्रेंकल दोष अंतराकाशी दोष कैसे है, तो मैं शॉर्ट की दोष पर चर्चा कर ली है इधर, मैं फ्रेंकल दोष पर चर्चा करता हूं। तो यहां पर ये क्रिस्टल में वापस से बना लेता हूं, क्रिस्टल क्या है इधर देखना, ये क्रिस्टल के अंदर B- रहा और ये A+ रहा। अब मैं फ्रेंकल दोष पर चर्चा करता हूं कि फ्रेंकल दोष है क्या है। फ्रेंकल दोष की खोज फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस फ्रेंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। फ्रेंकल दोष में कोई धनायन, कोई भी एक धनायन अपने स्थान को छोड़ करके
उस क्रिस्टल जाल के अंतराकाशीय स्थान के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे कि यहां पर ए प्लस ये धनायन है, ये अपना स्थान छोड़ करके इस अंतराकाशीय स्थान के अंदर प्रवेशित हो जाता है। अब इस क्रिस्टल में का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो धनायन गया है उसके अंतराकाशीय स्थान में प्रवेशित हो गया है, तो द्रव्यमान कॉन्स्टेंट है। क्रिस्टल की उदासीनता भी बनी हुई है, क्यों? क्योंकि यहां पर जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, इस वजह से कैसा है? रसमीकरण मिति दोष। इधर इसमें केतु प्रियंकर दोष के अंदर धनायन अंतराकाशी स्थान के अंदर प्रवेशित हुआ है, तो एक प्रकार का एक ऐसा है अंतराकाशी दोष है। इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, आयतन कॉन्स्टेंट रहता है, इस वजह से प्रियंकर दोष के अंदर क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होता है। क्रिस्टल का घनत्व है जो कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। इधर तो प्रियंकर दोष एक प्रकार का अंतराकाशी दोष होगा, रस समीकरण मिति दोष होगा, इसके अंदर क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होगा, और ये निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टलों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जैसे कि AgBr और AgCl, ये ऐसे दो एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर शॉटकी और प्रियंकर दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। ये RBSC में कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल हैं जिनमें की शॉटकी और प्रियंकर दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो AgBr है और AgCl है, ये दो ऐसे क्रिस्टल हैं जिनके अंदर शॉटकी और प्रियंकर दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, जबकि प्रियंकर दोष एक निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टलों में देखने को मिलता है। मैं बात करूं निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टलों की, तो इसके अंदर जिंक सल्फाइड आता है ZnS, और इसके अलावा इसके अंदर AgI भी आएगा, और AgCl तो एक ऐसा है, AgCl और AgBr, इसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों गायब होंगे, तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, और Ag प्लस अगर यदि अंतराकाशीय स्थान में प्रवेशित होगा तो प्रियंकर दोष उत्पन्न होगा। इसी वजह से AgCl और AgBr के अंदर शॉर्ट की और प्रियंकर दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। शॉर्ट की और प्रियंकर दोनों दोष AgCl AgBr में इस वजह से देखने को मिलते हैं कि Ag प्लस की जो रेडियस है वो रेडियस कम होती है, इसी वजह से इसके अंदर प्रियंकर दोष भी और शॉर्ट की दोष दोनों प्रकार के देखने को मिलते हैं। अपना नेक्स्ट जो है अरस समीकरण मिति है, इस पर अपन चर्चा करते हैं।